हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, किसान आंदोलन को 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, 10वां महीना शुरू हो गया। दोस्तों, इतना कसूता जो ये माहौल अब बना हुआ है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें आगे जाके ये सेहत बनेगी, चाहे सरकार को बनो चाहे किसानों खुद की बनो। इतना लंबा आंदोलन, मैं कहता हूँ ये शुभ संकेत नहीं है। अब आप देख रहे हो करनाल के बस ताड़ा टोल पर जो कुछ हुआ, इतना गुस्सा किसानों में पहले कभी नहीं देखा गया। कईयों ने तो इतने खतरनाक भाषण दिए कि खून खोल उठा। लेकिन दोस्तों, जब एक ही देश के नागरिक और वहाँ के राजा प्रजा पर जब ये इस तरह के हमले करवा रहे हैं, ऐसा ये किसानों का मानना है और झूठा भी नहीं है। क्योंकि एक SDM लेवल का अधिकारी जब सरेआम ये कहता है कि इनके सिर पाड़ दो, सिर फोड़ दो, टांगे तोड़ दो, तो इस तरह की भाषा जो हुक्मरान के मातहत काम करने वाले अधिकारी जिनको ये अख्तियार दिए गए हैं कि वो जो चाहे कर लें, तो फिर भय तो किसी का रहा ही नहीं। तो फिर सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उनका राजनीति में दुरुपयोग हो रहा है। सत्ताएं बदल जा करती हैं, सत्ताएं बदलने के बाद इस तरह के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ क्या होता है, ये पीछे भी आपने देखा होगा कई अधिकारियों के साथ क्या क्या हुआ। और कई सरकार के नंबर बनाने के चक्कर में बड़ा भारी नुकसान खा बैठते हैं। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये जो किसान आंदोलन अब चले हुआ है ये ठीक ठाक निपट जाएगा। हालांकि पूरी कोशिश है किसानों की कि किसी तरह का पंगा न लिया जाए, लेकिन जब शासन और प्रशासन खुद टकराव के मूड में हो, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद सारा ही न बचे। लेकिन एक गजब की बात ये देखिए आप, 9 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, किसानों की जो एकता है, इक्का दुक्का बातें तो होती रहती है, तो घर में भी होती है, लेकिन कहीं कोई बिखराव नजर नहीं आया। आज भी किसानों के हौसले उतने ही बुलंद हैं जितने पहले दिन थे। हाँ, लंबे समय लगने के बाद यह है घर के काम भी संभालने, खेती भी संभालनी है, और उधर बॉर्डर पर भी हाजिरी लगानी है, फिर खर्चा भी चाहिए, सब चीजें हैं, और फिर सरकार के बार बार टकराव से भी निपटना, बहुत से लोगों मुकदमे बने हुए हैं उनको भी भुगतना, और कईयों को चोटें लगी है उनको भी संभालना, अपना इलाज कराना, और फिर उनके जो तीमारदार हैं उनके साथ उनको भी समय देना। तो बहुत कुछ है, मैं समझता हूँ आज जो हालात हैं। हालांकि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो कि पूरा देश उनको जानता है कि वो किस नेचर के आदमी है, उन्होंने जो बातें इस एक SDM के बारे में जो कहा है, हालांकि वो मेघालय के राज्यपाल हैं, गवर्नर महामहिम जिसे कहते हैं वो है, और बहुत ही दबंग अधिकारी रहे वो अपने जमाने के, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा काम कभी नहीं किया कि जनता के प्रति जो जवाबदेही है उससे मुखातिब होकर और किसी के सर पाट देने, किसी के टांग तोड़वा देनी, ये ऐसी भाषा मेरे ख्याल में ये उचित नहीं थी। और कहीं न कहीं उनका तो सीधा सा इशारा है कि सरकार की सह के बगैर ऐसा नहीं हो सकता, न ही एक अधिकारी की इतनी पावर है कि वो अपना इस तरह का दुरुपयोग कर ले, क्योंकि जनता बागी भी हो जाती है कई बार, और सामने अगर हथियार उठा के खड़े हो जाए फिर कहाँ जाएंगे। लेकिन ये बड़ा संयम की बात है कि टकराव नहीं किया, लेकिन अगर इसी तरह होता रहा तो एक दिन ऐसा आ सकता है मरते क्या न करते, कोई नौबत आ सकती है, भगवान न करे वो दिन हमें देखना पड़े। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा, ये मलिक साहब ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि बहुत दूर तक ये बात जाएगी और फिर बेकाबू हो जाएगी। पंजाब में छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद इतना आतंकवाद फैला वहां, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, उनको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी।
बहुत से अधिकारी भी मारे गए, बहुत से बेकसूर लोगों के कत्ल हुए और बिल्कुल सीमावर्ती राज्य था। बहुत पूरा जोर सरकार ने लगा, उसके बावजूद भी कितने दिन लग गए थे इस आतंकवाद को खत्म करने में। और ये जो बेल्ट है दिल्ली के आसपास की, जैसा कि सत्यपाल मलिक ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन ये सीधा सीधा इशारा कर दिया कि सरकार ये चाहती है कि इन लोगों को किसी न किसी तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन ये अकेले नहीं है, ये लोग किसानियत और मजदूर तबका इनके साथ है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जो फोर्सेज हैं इनमें भी तो इन्हीं के बच्चे हैं। हो सकता है कल ने जिस तरह तालिबान में क्या हुआ, अफगानिस्तान की फौज का इशारा था, तालिबानियों को सह दी, उनको हथियार मुहैया कराए और वो हैवी हो गए। हालांकि अमरीका कहता रहा कि 2 लाख ट्रेंड फौजी हैं, लेकिन वो नहीं मिले। और तालिबान मुट्ठी भर जो लोग थे, कुल 80,000 के नफरे बताते हैं, हालांकि इससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह छाए गए। मिलिट्री भी, पुलिस भी, बहुत फोर्सेज थी वहां। उसके बावजूद भी देख लो क्या हल हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सह मिली हुई थी उनको, और हथियार भी उनके पास कहां से आए सबको पता है। तो ये कुछ ऐसे माहौल हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस बारे में थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। किसानों का गुस्सा की जहां तक बात है, एक किसान नेता हैं हमारे, जानकार हैं, अच्छे किसान नेता हैं, तो और वो इनेलो पार्टी में भी शामिल हो गए, चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनका सुरेश कोथ एक मशहूर नाम है, किसान नेता है, दबंग किस्म के नेता है, बहुत से मुकदमों का उन्होंने सामना किया है और मैं काफी लंबे समय से उनसे परिचित हूं। उनका ऐसा गुस्सा था कि वो गुस्से को पी गए, लेकिन फिर भी कुछ कह गए। वो मैं शायद आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। इसी तरह बहुत से आदमियों ने बड़े प्रदर्शन हुए, करनाल में भी रैली निकाल ली गई, कुछ फुटेज मैं आपको आज दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। जो किसानों के गुस्सा इतना था, सोनीपत में किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने तो यहां तक कहा कि हथियार उठाने पड़ेंगे। लेकिन भगवान न करे ऐसी नौबत आए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कुछ नहीं बिगड़े अब भी, लेकिन जो जो वो का अग्रण जो जो भीजा कंबली भारी हो, तो अब सरकार की जो मनसा है अब पूरी तरह समझ में आ गया है कि सरकार पूरी तरह टकराव के मूड में है। सरकार बात नहीं करना चाहती है और कुछ नहीं समझ रही किसान लोबी को। थोड़े से आदमी ये मान के चल रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि जब जरूरत होती है तब कितने हो जाते हैं। यहां बैठना क्या जरूरी है, सारे बॉर्डर पर हाजिरी दिखानी। आज कोई ये सोच के चले भाई बॉर्डरों पर आदमी कम है, वो उसकी गलतफहमी है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन कई सैकड़ों गुना ज्यादा लोग हो जाएंगे, क्योंकि सबको दर्द है इस चीज का। मजदूर तबका भी अब यह समझ चुका है कि अगर उनका कहीं ना कहीं फायदा है तो किसान वर्ग के साथ लगना है। आज महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, 25 रुपए आज सिलेंडर के फिर बढ़ा दिए, 900 करीब सिलेंडर चला गया, तेल 100 पार करने को जा रहा है, तो हर कोई परेशान है। महंगाई इतनी है, कमाइयों के जरिए बंद हो गए, नरेगा के इक्का दुक्के काम छोड़ के बाकी सारा। कितने दिन तक सरकार ये मुफ्त राशन बांटेगी, कितने दिन? और फिर कहां जाएगा, इधर देंगे तो उधर से लेंगे, पका पकाया तो देंगे नहीं, कच्चा अनाज देंगे वो पकाना ही पड़ेगा, गैस महंगी मिलेगी, मसाले सब्जी महंगे मिलेंगे, तो हर चीज वहीं से पूरी होनी है। तो दोस्तों आइए मैं आज एक आध फुटेज आपको दिखाऊंगा इसमें, और सरकार को भी मैं एक अपील करूंगा कि वो संयम से काम लें। और अब भी वक्त है किसानों से सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करें, और इस तरह के जो कारनामे हैं, चाहे वो अधिकारी लेवल पर कराए गए या सरकार की उसमें से हो सकती है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। हर आदमी की आज ये मांग है, फर्क इतना है कि किसी की हिम्मत नहीं है कहने की। मेरे जैसे मुंह फट पत्रकार इस बात को कह देते हैं।
बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर, और गुस्सा झूठा नहीं है। जिनके सिर फट गए, 18-18 टाक के आए हैं किसान के, एक की तो जान भी चली गई, 700 से ज्यादा लोग वहां मारे जा चुके हैं। वे आई कहूंगा मैं इनको, क्योंकि घर तो एक मंत्री जी ने कहा था कि घर भी मरेंगे, मरना तो सब न है, लेकिन फर्क होता है दोस्तों। एक गलत काम करके भी मौत आती है, एक सीमा पर मरता जवान शहीद होता है, वो कितना फर्क है मौत में। कौन रहा आजीवन, कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। आज नजर मार के देखो, 100 साल से पहले ही सब चले जाते हैं। बिरला मिलेगा जो पूरे 100 साल निकाल लेगा, कुछ नहीं भरोसा। ये जो बड़े बड़े हुक्मरान बने बैठे हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मौत रोज देखते हैं। सच्चाई भगवान मौत, पंजाबी में जिसे सत श्री अकाल कहते हैं, जैसे सच्चाई भगवान और मौत, ये याद रखनी चाहिए आदमी को, और ये याद रखने की बात है। लेकिन पता नहीं किस भूल भुलैया में हमारे नेताजी बैठे हैं, हमारे अफसर बैठे हैं। कमाल की बात है, क्या जरूरी है वो उसी जगह जाके पंगे लेने, काले झंडे दिखाते हैं। चौधरी बंसीलाल ने एक बार कहा था, भाई मेरे को काले झंडे दिखाए, तो उसने एक बात कही थी कि भाई इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, दिखा दो भाई काले झंडे जिन्हें दिखाने हैं, मैं क्यों डरूं काले झंडे पे। उसने ये कहा कि 52 गज का काला घाघरा पहना कर दी मेरी माँ, तो जब भी कोई डरिया मैं इन छोटी छोटी कातरा तो मैं क्या डरूंगा। तो दोस्तों वो बात है, अब इतना काले झंडे दिखाने से अगर डर लगता है, कल मान लिया कोई और बड़ी नौबत आएगी, फिर क्या करेंगे भाई। तो मैं यही एक अपील करूंगा कि सरकार को फिर अधिकारियों के भी संयम से काम लें। ये एक ही देश है, इन्हीं के आदमी हैं, किसान मजदूर के बेटा बेटी अफसर बन रहे हैं। ठीक है हुक्मरान, चलो वो अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आना तो वहीं पड़ेगा। दोस्तों एक कहावत है, पंछी चाहे कितने आसमान मोड़ ले, जिस दिन पंख टूट जाते हैं उसे जमीन पर आना पड़ता है। इसलिए जमीन से जुड़ाव जरूरी है। जो जमीन की औकात भूल गया वो मुंदे मुंह गिरता है। तो मैं आज खुद भी औरों को क्या बात करूं, मुझे भी बड़ा गुस्सा है, क्योंकि दोस्तों इतना लंबा आंदोलन और कोई सुनाई नहीं। हम भी किसान के बेटे हैं, सब चाहते हैं कि ये हल निकले आए, सरकार नहीं चाहती क्योंकि चुनाव नजदीक नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, पंजाब में तो पता ही है सबको क्या हालात है, उत्तर प्रदेश में पूरा जोर लगेगा। और सत्यपाल मलिक ने साफ शब्दों में कहा है कि ये एक ऐसी बेल्ट है दिल्ली के आसपास, यहां बीजेपी के लिए घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब भी समय है इन्हें चेत झड़ना चाहिए, और जो अधिकारी इस तरह के गलत फैसले लेता है, हिंसा पर उतारू होता है, लोगों को भड़काने पर पूरी तरह तैयार रहता है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार को संज्ञान लेके जितनी गलती करी है वो गलती मान लेने में कोई अर्ज नहीं है। एक किसान कौम ऐसी है कि मेरे वर्ग जो मजदूर हैं, किसान हैं, ये एक भोली कौम भी है। आज भी कितने के सर फोड़ दिया, अगर माफी मांग लेंगे तो ये माफ कर देते हैं, इस टाइप के लोग हैं, फिर भी पता नहीं क्या। आइए मैं दिखाता हूं एक दो फुटेज आपको, शायद आपको कैसी लगेगी तो आप बताएंगे। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है, इसे कामयाब करो। मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, जो मेरे मन में है मैं साफ कह देता हूं। बहुत से भाई हैं हमें तो सलाह देते हैं, खुद की हिम्मत नहीं आने की, डरते हैं। मेरे डर का पुर्जा नहीं लगा हुआ, क्योंकि सच्चाई में डरने की जरूरत नहीं होती। बहुत उम्र होगी अब, और आगे क्या बड़ लगाएंगे। जो सच्चाई है कहनी चाहिए इंसान को, डरना नहीं चाहिए सच्चाई से।
सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और गलती कर रखे तो माफी मांगना भी अर्ज नहीं है और किसानों की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि ये भी इसी देश के नागरिक हैं, ये कमा के खिलाते हैं देश को और इन्हीं की कमाई से ये देश चल रहा है। इन्हीं के बच्चे बॉर्डरों पर शहीद होने लग रहे हैं, इन्हीं के बच्चे देश की रखवाली कर रहे हैं, दफ्तरों में काम भी इन्हीं के बालक कर रहे हैं, कोई ऊपर से नहीं आगे टपक के। तो नेताओं को भी बड़ा संयम से काम लेना चाहिए दोस्तों। तो आइए मैं अभी कुछ फुटेज आपको दिखाता हूँ और विभिन्न मुद्राओं में मैं दिखाता हूँ किसानों का गुस्सा और नारेबाजी। बाज आजा खट्टर साहब, हमें फुर्सत नहीं आपके साथ लड़ने की। तेरे को हमने तीन चार बार दिखा दिया है, हमने हिसार में तेरे को पीटा, डीसी ने माफी मांगनी पड़ी, हमने अंबाला में तेरे को पीटा, सम्मानजनक हमारे साथियों को रिहा करना पड़ा। जिस दिन सिर घूम गया और निशाने पर खतरा आ गया, तू 24 घंटे भी नहीं पकड़ेगा हरियाणा किसानों के सामने 24 घंटे भी। साथियों नमस्कार। साथियों, संयुक्त मोर्चे की तरफ से आदेश आया था कि 5 बजे तक जाम रखना है, लेकिन अभी हम बस्ताड़ा टोल पे जहां पे आज 4-5 बार लाठीचार्ज हो चुका है वहां पे मौजूद हैं और अभी तक हमारे जो गिरफ्तार आदमी हैं उनको नहीं छोड़ा गया है। जब तक वो गिरफ्तार आदमी हमारे बीच में नहीं आते तब तक हम जाम नहीं खोलेंगे। सभी हरियाणावासियों से बेनती है कि जब तक हमारा अगला मैसेज आप तक ना आए तब तक ये जाम रखें, क्योंकि पता नहीं प्रशासन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। जब हमारे बीच में वो लोग आ जाएंगे उसके बाद हम दोबारा से वीडियो डालकर आपको सूचित करेंगे और उसके बाद सभी ने जाम खोलना है, वरना जब तक ये हमारे आदमी को नहीं छोड़ते तब तक ये जाम जारी रहेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये कितने किसान पुलिस लाठीचार्ज से जख्मी हुए हैं, ये देखिए, कईयों के सिर फूट गए और सिर में लाठियां मारी गई हैं, कईयों को धारदार हथियार भी बताए, क्योंकि एक का तो माथा है लठ से नहीं फूट सकता, इतना गहरा जख्म। और ये देखिए किस तरह से इन पर लाठियों से हमला करते हुए ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ कुछ संदेश दे रहे हैं। और ये देखिए, ये टोल प्लाजा खाली करवा लिया है, बिल्कुल क्लियर खाली हो गया ये।